नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। उसमें तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। ये नज़ारा जो है वो देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय का है। संवाद भवन भी यहाँ पे है और यहीं यही मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों अधिकारियों के साथ जो है वो समीक्षा बैठक शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। लेकिन ठीक बगल में एक नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि एक तरफ नीतीश कुमार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक शराबबंदी को लेकर कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की बोतलें जो कचरे के ढेर में जो है वो पड़ी हुई है। तस्वीर एक बार हम चाहेंगे कि जूम करके दिखाएँ कि मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल में सीएम हाउस भी बगल में है। ठीक बगल में ये देखिए तस्वीर, कोई पुराना बोतल नहीं है, नाइट ब्लू कंपनी करके बोतल है, शराब की बोतलें है, एक बोतल नहीं है, कई बोतलें आसपास में यहाँ पे फेंके हुए हैं, शराब की बोतलें हैं। मुख्यमंत्री जी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं उच्च स्तरीय शराबबंदी को लेकर। आए दिन बिहार में सवाल नीतीश कुमार पर उठते रहे हैं। 2016 के में जब शराबबंदी हुआ उसके बाद कई तस्वीरें सामने निकल के आई। बिहार के अलग अलग जिलों में बड़े बड़े खेप में शराब बरामद हुए और हाल फिलहाल की बात की जाए तो जहरीली शराब पीने से 500 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर बिहार की सियासत में खूब बवाल हुआ और अब भी होता रहा है। तमाम सवालों के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, तमाम मंत्री मौजूद होंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है वो आपको बेहद चौंकाने वाली है कि एक तरफ समीक्षा बैठक कर रहे हैं उच्च स्तरीय शराबबंदी को लेकर, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें निकल के आती है। ये प्रमाण है कि बिहार में कितना शराबबंदी है। चूँकि सीएम हाउस है, सचिवालय मुख्यमंत्री सचिवालय बगल में है, सीएम हाउस 100 मीटर की दूरी पर सीएम हाउस है और ठीक बगल में कचरे के ढेर में जो है वो शराब की बोतलें पड़ी हुई है। लाल के हेडलाइंस बिहार के साथ, नमस्कार।